प्लीज सबको मेरी आवाज आ रही है? हाय दयाल सर, प्लीज कमेंट करो कि आपको आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? हाय, मैं हूँ विनीता, गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लासेस की ओनर, और आज हम लाइव है फेसबुक के सबसे बड़े पेज पे, जो है अमूल फेसबुक पेज। आज मैं वहाँ पे लाइव हूँ और आप भी मेरे साथ वहाँ यहाँ पे ज्वाइंट हुए हो। थैंक यू सो मच अमूल का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे लाइव आ जाऊँ, और एक दो बहुत इजी वाली सिंपल और सबकी फेवरेट दो रेसिपी मैं आज लाइव लेके आई हूँ। सो और थोड़े जन ज्वाइंट हो जाने दो, हम स्टार्ट करेंगे। हाय भाउक सर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? प्लीज़ कोई तो मुझे कमेंट करके बताओ ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू। हाय हर्षा, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइव के लिए, बिकॉज बहुत थोड़ा टाइम है हमारे यहाँ पे। हाय कमल सर, हाय कांचन। तो फर्स्ट तो हम अमूल के प्रोडक्ट लेके ही हम ये यूज दोनों भी रेसिपी करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम बना रहे ब्राउनी, बट 10 मिनट में होने वाली ब्राउनी हम बनाएंगे, बिकॉज यहाँ टाइम का हमें थोड़ा सा लिमिटेशन है, दो रेसिपी हमें करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरियो बिस्किट। जहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिया है वहाँ पे आप बॉर्बन भी ले सकते हो, और कौन सा भी चॉकलेट फ्लेवर का आप बिस्किट ले सकते हो, ठीक है, बॉर्बन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, मैंने ये चॉकलेट कलर का ओरियो बिस्किट लिया है, ठीक है। तो मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ, बिकॉज हमें दो रेसिपी करना है। थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, लास्ट तक बने रहे। ओके, सो ये ओरियो बिस्किट मैंने यूज किया है, बट ये मैंने दो पॉकेट लिया है। हाय कमल सर, हाय प्रकाश सर, हाय शिवानी। सो ये मैंने दो पॉकेट यूज किया है, और ये ऑलरेडी आपको मिक्सर के ऊपर ग्राइंड करके लेना है पाउडर। ये देखो, ऐसे पूरा हमारा पाउडर हो चुका है। तो यहाँ पे आप बॉर्बन बिस्किट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये अमूल के प्रोडक्ट आज यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम इनके पेज पे लाइव है, और हमेशा हम बेकिंग हो या कुकिंग क्लासेस हो, हम हमेशा अमूल के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो आज भी हम अमूल के ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो इनको मैं थोड़े टाइम के लिए साइड में रखती हूँ ताकि मैं रेसिपी के लिए आगे बढ़ जाऊँ। ओके, प्लीज वीडियो पसंद आती है तो वीडियो शेयर करना ना भूलिए, और हार्ट इमोजी भी दे सकते हो, ठीक है। आप इसमें कौन सा भी फ्लेवर ले सकते हो, व्हाइट चॉकलेट में आता है, अभी स्ट्रॉबेरी में भी आता है, आपको जो चाहिए आप वो ले लो, ठीक है। तो हम ये ओटीजी में करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने ओटीजी 10 मिनट के लिए 180 डिग्री में बेक ऑप्शन में मैंने उसको बेक करने के लिए, मतलब प्री हीट करने के लिए रख दिया है। आप यही सेम मेथड कुकर में और कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ब्राउनी, बिस्किट की ब्राउनी होने के लिए ओनली 10 मिनट्स लगता है, लेकिन अगर आप मैदे के साथ या कोको पाउडर के साथ ब्राउनी बनाते हो तो उसको 25 या 30 मिनट लग जाता है। कभी फिर से मौका मिले तो वो ब्राउनी भी आपके लिए मैं वो रेसिपी जरूर लेके आऊँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी के लिए जो 10 मिनट में होने वाली है। ये बच्चे लोगों की बहुत पसंद है और ये कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका पाउडर करके लिया है। हाय ममता, तो यहाँ पे हम दूध डालेंगे। ये मैंने अमूल का दूध लिया है, बट आपको कच्चा नहीं लेना है, उसको एक बार आपको बॉईल करके लेना है, उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आपको इसको लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी 2 टेबलस्पून लिया है, हमें ज़्यादा भी लगेगा, हमें कम भी लगेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालने वाले हैं। अभी हमें और दूध लगेगा, ठीक है, इसमें दूध लेके आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालो, ये पूरा भर के डालो, उधर है देखो, बाहर ही है वो, देखो। हाय ममता, सो यहाँ पे कोई भी बिस्किट आप ले सकते हो, बट चॉकलेट बिस्किट ले लो, बॉर्बन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये लिया तो आपको भी ये लेना, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर वाला बिस्किट आप ले सकते हो, बाकी कोई भी बिस्किट आप ब्राउनी के लिए नहीं ले सकते। जल्दी रहो। तो इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बट मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने और दूध लिया है, हमें पूरा दूध लगने वाला है 1 कप, ठीक है। अगर आप सिर्फ जो छोटा वाला
पॉकेट्स आता है ओरियो का उसका बना रहे हो तो आपको 2 टेबलस्पून दूध मिल्क बहुत हो जाएगा, बट हमने 2 पॉकेट्स लिए बड़े वाले तो हमें बराबर 1 कप दूध तो लगने ही वाला है। हाय रजनी मैम, तो ये जो ब्राउनी है छोटे बच्चे भी बना सकते हैं और ये 10 मिनट में होने वाला है। अगर कोई मेहमान आते हैं या अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो कुछ तो स्वीट बनाना है 10 मिनट में, तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये अभी इतना पतला आपका होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, ओके, बिकॉज हमने 2 बिस्किट्स के पॉकेट लिए थे बड़े वाले, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम यहाँ पे ब्राउनी बना रहे हैं, ओरियो बिस्किट के साथ हम ब्राउनी बना रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया बेकिंग पाउडर। अगर आप सिर्फ 1 पॉकेट लेते छोटे वाला तो 1/4 टीस्पून यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर डाल देना, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए वो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, तो आपके ऊपर है आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैं यहाँ पे बादाम डालने वाली हूँ, बट आप अखरोट के पीस भी यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी नट्स आपको पसंद है वो आप डाल दो, या आप चोको चिप्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चोको चिप्स डाल रही हूँ, ज़्यादा अंदर मत डालो, आप ऊपर से ज़्यादा डालो। इसमें थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ बारीक काट के, क्योंकि मैं ऊपर से ज़्यादा डालने वाली हूँ। ऊपर से अगर डालते हो तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। सबका नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो रेसिपी के ऊपर है, ठीक है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लाइव आए हो, आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप मुझे दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये अभी हम क्या करेंगे, एक मोल्ड में निकालेंगे। यहाँ पे मैंने इसको लगाया बटर पेपर, इसको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बटर पेपर लगाना है। आप स्क्वेयर वाला भी मोल्ड ले सकते हो, सर्कल वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अच्छे से जो मिक्स हो गया है अपना, ये 10 मिनट में हो जाता है ब्राउनी, और बहुत सॉफ्ट वाला ब्राउनी हो जाता है। आप इसके ऊपर ये सिजलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप आइसक्रीम डाल के खाओगे तो भी चलेगा, या आप डायरेक्टली चॉकलेट बनाओ, चॉकलेट सॉस वो भी मार्केट में अवेलेबल है, या आप घर में भी बना सकते हो। उसकी रेसिपी मैं अभी आपको ओरल ही बता दूंगी, तो आप घर में भी बना सकते हो। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम नट्स डालेंगे। ये बादाम है, लेकिन आप कभी भी बादाम काटते हो तो डायरेक्टली आपको नहीं डालना है, तो वो जल जाएगा बेकिंग के टाइम पे। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि ये जले ना, ठीक है। आपको जितना चाहिए आप उतना डाल दो, ठीक है। मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि ये जले ना। चोको चिप्स मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, और नट्स या अखरोट आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक बार हम हल्के से उसको प्रेस करते ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। एक 10 मिनट के लिए हम इसको OTG में बेक करने के लिए रखते हैं। अगर आप गैस के ऊपर कढ़ाई में रखते हो या कुकर में रखते हो, कुकर की सिटी आपको निकालनी है और 10 मिनट के लिए इसको बेक करना है। ब्राउनी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट बिस्किट के लिए, हाय सुजाता मैम, हाय रिंकू मैम, बिस्किट के लिए, जो बिस्किट का ब्राउनी बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आप मैदे और कोको के साथ रेसिपी बनाते हो ब्राउनी की, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम ये 10 मिनट के लिए OTG में रख देंगे, ठीक है। OTG मैंने टेम्परेचर रख दिया है 180 टेम्परेचर रहेगा, हमारा फंक्शन रहेगा बेक, और हमारा टाइम रहेगा 10 मिनट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका, अभी हम जाते हैं सेकंड रेसिपी के पास। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून आप ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है।
तो अभी हम बनाने वाले स्प्रिंग रोल, हम यहाँ पे बनाने वाले एवर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, डेरी मिल्क चॉकलेट लाइव, ठीक है, एक बार अगर अमूल ने फिर से मुझे मौका दिया तो हम जरूर दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एवरग्रीन स्प्रिंग रोल के रेसिपी के लिए। तो आपको जो भी सब्जी उसके अंदर डालना है वो आप ले सकते हो, ओनली ये दिखाओ, मुझे ना दिखाओगे तो भी चलेगा, ओनली रेसिपी दिखाओ ताकि उनको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी ली है, यहाँ पे मैंने नूडल्स बॉईल करके लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन पीस, मैंने यहाँ पे लिया है, हो सकता है क्या आप कर दो फिर, हो सकता है क्या गाइस, जरा वेट, थोड़ा सा कैमरा का मोड चेंज कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा स्टैंड यहाँ पे ले लो, यहाँ पे और ले लो, यहाँ पे अब भी करो, यस और थोड़ा ले, यस अभी नीचे करो उसको, पहले ये करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाओ, बस बस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैसेज आ रहा है होटल डिलीवरी वाले से, मुझे लगता है आप इसको सीधा ही रख दो, सीधा रख दो, सीधा ही रख दो उसको ताकि वो हमें मैसेज नहीं आएगा, सीधा रख दो मोबाइल, ठीक है, चम्मच दे दो, बस। चलो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, मैं एक एक चीज डालूंगी तो आपको पता चलेगा, चम्मच दे दो इसका और ऑयल दे दो वहां से, वो नहीं टीस्पून ऑयल डाला है, ज्यादा ऑयल ना लो बिकॉज ये नॉनस्टिक पैन है, तो मैं ज्यादा ऑयल नहीं ले रही हूं। यहाँ पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके टीस्पून, वन टीस्पून यहाँ पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग रोल के लिए हमें सब्जी लगती है बनाने के लिए, आप ये सब्जी मोमोज के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से फ्राई होना हो जाने दो, ज़्यादा जलाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला है वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। रीना मैम, मैं बाद में ब्राउनी की रेसिपी आपको बता दूंगी, और ये वीडियो यहाँ पे सेव होने वाला है तो आप देख लेना, ठीक है, नहीं तो हम बाद में बताते, अभी आप यहाँ पे ध्यान दे दो बिकॉज ये थोड़ी प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़्यादा फूक नहीं करना है, ये ध्यान में दे दो। फिर इसके अंदर जाएगा प्याज, एक छोटा प्याज मैंने काट के डाला है, यहाँ पे मैंने डाला है प्याज। देखो यहाँ पे आप जो भी सब्जी डाल सकते हो जो आपके बच्चे खाते नहीं है, अगर आपको उनको खिलाना है तो आप ये मेथड कर दो कि यहाँ पे वो सब्जी जो खाते नहीं वो इसके अंदर डालो, बिकॉज हम स्प्रिंग रोल बना रहे, ठीक है। सेम रेसिपी आप नॉनवेज के साथ भी आगे जा सकते हो, जहाँ पे हम सब्जी डाल रहे हैं वहाँ पे आप खीमा डाल दो, चिकन या मटन खीमा, ठीक है। यहाँ पे जो अभी तो श्रावण महीना चालू है, बहुत सारी हरी वाली रेसिपी या हरी वाली सब्जी मार्केट में आ रही है, बहुत सारी सब्जी आ रही है, आप कौन सा भी सब्जी यहाँ पे डाल दो,
कैरेट डाल दो, कैप्सिकम डाल दो, ग्रीन पीस डाल दो, बीन्स डाल सकते हो आप, जो भी अभी मुझे अवेलेबल हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, जितना आपको डालना है उतना डाल दो, लेकिन मैं सब 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ओके, थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू सो मच। इंजॉय कर रहे हो सब लोग लाइव, प्लीज़ कमेंट करो। देखो ये मोमोज के लिए भी जाएगी ये रेसिपी, ये जो हम सब्जी बना रहे हैं ये मोमोज के लिए भी जाएगी। ज़्यादा कुक नहीं करना बिकॉज हम इसको फ्राई करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर डाल रहे हैं कैबेज, प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो मुझे सवाल पूछो। ये हमारी क्लासेस की रेसिपी है, स्टार्टर क्लासेस में हम ये रेसिपी सिखाते हैं। ज़्यादा कुक नहीं करना बिकॉज फ्राई करने वाले तब भी एक कुक हो जाता है, और जो चाइनीज के डिशेस हम बनाते हैं उसको कभी भी हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मैंने बॉईल किया हुआ बीन्स, ग्रीन पीस डाल रही हूँ, आपको डालना है तो डालो, आप स्किप भी कर सकते हो बट ये अच्छा लगता है। मैंने हर एक चीज़, कैबेज है, प्याज है, कैप्सिकम है, ये छोटा छोटा करके ही मैंने इसको चॉप किया था, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक होने के लिए। इसके ही अंदर हम डालते हैं थोड़े से नूडल्स, बॉईल किए हुए नूडल्स है ये अच्छे लगते हैं स्प्रिंग रोल में। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे ओनियन जो आता है पत्ते वाला फ्रेश, वो डाल देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, बिकॉज इसमें तीखा कुछ भी नहीं जाने वाला है, स्प्रिंग ओनियन। ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है मैंने, स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, लेकिन हम सोया सॉस भी डालने वाले, थोड़ा सा ध्यान दे दो डालने के टाइम, इसमें सोया सॉस भी जाता है, आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लाना, रेड चिली पाउडर का डब्बा लाना। थैंक यू राधा मैम। देखो अगर आपको तीखा चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, मैं डाल रही हूँ बिकॉज हमारे घर में तीखा ही पसंद है, तो आप इसमें सोया सॉस या रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो। थोड़ा सा आप इसके ऊपर, इसके अंदर चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको करना है, आप भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेपर पाउडर आपको डालना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, सोया सॉस आप स्किप नहीं कर सकते हो, सोया सॉस तो आपको डालना ही डालना है, इसीलिए नमक जब डालोगे और मैगी क्यूब ला ले, मैगी क्यूब दे दे, यही कहते खा पे। ये हम इसके अंदर डालेंगे मैगी क्यूब, ये वेज स्टॉक वाला मैगी क्यूब है, अगर ये डालते हो तो यहाँ पे अजीनोमोटो आप नहीं डाल सकते, अजीनोमोटो खाना अच्छी चीज नहीं है, हेल्थ के लिए वो हानिकारक है, लेकिन उसका ही टेस्ट हमें लाना है, तो इसीलिए हम डाल देंगे यहाँ पे मैगी क्यूब। इसको थोड़ा सा फोड़ के तो ये मैं बंद कर देती हूँ, ऑलरेडी हमारी रेसिपी हो चुकी है, इसमें हमें सिर्फ मैगी क्यूब डालना है। अगर आप मैगी क्यूब अभी आधा डालो क्योंकि उसमें भी नमक होता है,
इसमें बहुत मैगी क्यूब डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हाफ डाल रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी नमक डाला है। तो ये है मैगी क्यूब, या अमेजोन पे या किसी भी दुकान में मिल जाएगा, उनको बोलने का कि मैगी क्यूब दे दो, ठीक है। वो अगर आप अजीनोमोटो नहीं डालते, हम नहीं डालते अजीनोमोटो, उसके जगह पे हम मैगी क्यूब डालते। तो इसको हम निकालते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। एक इसको निकाल दे प्लेट में। इसको मैं निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाने हो जाना चाहिए। मैगी क्यूब डाला है मैंने, आपको भी मैगी क्यूब डालना है। मैगी क्यूब सबको दिखा है क्या वहां से? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ फिर से। ये देखो मैगी क्यूब, ओके, थैंक यू दीपक सर। ये देखो मैगी क्यूब, ओके, ये आप ले लो अजीनोमोटो के जगह पे। आप जब भी चाइनीज बनाओगे तो ये हमारी सीक्रेट रेसिपी थी, ये मैगी क्यूब अगर आप डालते हो तो अजीनोमोटो डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम ठंडा कर रहे हैं, ये देखो, ये आप मोमोज के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें लगेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीट मार्केट में अवेलेबल होता है, आप ये ला लो, लेके आओ, बिकॉज इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है। आप घर में मैदे के साथ भी बना सकते हो। ये देखो, ये ऐसी शीट आती है, ये देखो। यस यस, नॉर्मली ग्रोसरी में वो मैगी का स्टॉक आपको मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्प्रिंग रोल शीट, जैसे समोसा पट्टी आती है वैसे ही आती है। वहाँ पे कढ़ाई लेके आ, जहाँ पे मैंने ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, वो लेके आ जाओ। तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं, वहाँ से वो फूड गम दे दे। मैंने बनाया फूड गम जो हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं। ये मैदे के साथ बनता है। मैदा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने पानी डाला है, ठीक है। और ये मैंने बनाया फूड गम, ठीक है। इस पे हमने डाला था प्याज, कैप्सिकम, फिर उसके बाद मैंने कैबेज डाला था, स्प्रिंग ओनियन डाला था मैंने, फ्रेश वाला अपना जो रहता है ग्रीन पीस, ये मैंने डाला था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला। रेड चिली पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमने डाला 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। और मैगी क्यूब डाला है मैंने हाफ, क्योंकि मैगी क्यूब में बहुत सारा नमक होता है। अगर आप मैगी क्यूब डालते हो तो पहले मैगी क्यूब डालो, उसका सब्जी बनाओ, खा के देखो, अगर लगेगा तो ही नमक डालो, ठीक है। तो ये रेसिपी मोमोज के लिए भी जाती है, ठीक है। और ये सेम रेसिपी आप नॉनवेज के साथ भी बना सकते हो। सोया सॉस नहीं, सोया सॉस आप स्किप नहीं कर सकते हो, सोया सॉस तो आपको चाहिए। सोया सॉस का इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थैंक यू भारत सर, थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए। यहाँ पे हमने लिया है एक शीट, ओके,
थोड़ा सा पहले ही आधा घंटे के लिए उसको बाहर निकालो अगर आपने फ्रिज में रखा होगा तो। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम बीच में सब्जी डाल देंगे। देखो ज़्यादा कम भी नहीं डालना है और ज़्यादा 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 भी नहीं डालना है ताकि वो बाहर निकल आए। इसके ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हो, अगर आपको चीज़ी वाला बनाना है तो आप चीज़ भी डाल दो। हाय आई, मेरी आई भी यहाँ पे लाइव आई है, मेरी माँ भी यहाँ पे लाइव आई है। सो क्रेडिट मेरे माँ को जाता है, बिकॉज ये बहुत सारी रेसिपी मेरे माँ से मैंने सीखी है, इसको कैसे बनाना होता है कुकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको राउंड राउंड करके जाना है। एक बार यहाँ पे उसको थोड़ा सा लगा, ये मैंने ऑलरेडी तो जो मैंने फर्स्ट वाला लिया था वही लिया था। अभी जो लास्ट वाला है उसको बहुत सारा यहाँ पे गम लगा दो ताकि वो छूटे ना। ठीक है, आपको ये साइड वाला ये भी आपको गम से चिपकाना है, ये लास्ट नाइट भी आप करके रख दो। अगर आपके नेक्स्ट डे आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप ये करके रख सकते हो। इससे छोटा वाला भी शीट आता है बट मुझे कल अवेलेबल नहीं हुआ। मैं सजेस्ट करूंगी ये बहुत बड़ा वाला है, आप ये मत लो, इससे छोटा वाला शीट आता है आप वो ले लो। प्लेट दे दे वो, ये निकालने के लिए साइड में रख लीजिए। आप ये बना के फ्रिज में भी रख सकते हो 10-15 मिनट के लिए। ये वीडियो यहाँ पे सेव रहेगा, जो भी अभी ज्वाइंट हुए हैं उनके लिए ये रेसिपी यहाँ पे रहेगी, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। दिव्या मैम, हम यहाँ पे स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, ऑलरेडी हमारी रेसिपी अभी हो रही है, फिर भी डोंट वरी, यहाँ पे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा वीडियो, तो आप देख लेना बाद में। ये बड़ी वाली है, आप छोटी वाली स्प्रिंग रोल आती है आप वही ले लो, उससे जल्दी हो जाता है। आप मैदे के साथ भी घर में
बना सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो। और एक ग्लास बना देते हैं और फ्राई करने के लिए जाते हैं। आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, हमने बना के ले लिया ये शीट। हाँ, ये मैदे की ही शीट होती है बट ये ओरिजिनल मिल जाती है मार्केट में। आप घर में मैदे की रोटी के साथ भी ये बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम मैदे की रोटी के साथ भी हम घर में बनाते हैं जब हमें ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शीट करके आता है, कौन से भी कंपनी का ले लो जहाँ पे जो कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, एक बार देखते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ये ले लो, ये वहाँ पे रख। ब्राउनी देखती हूँ मैं हुआ है कि नहीं। इसको आपको 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करना होता है। मैं टिप देती हूँ, डायरेक्टली मत करो, कभी कभी ये छूट जाता है। इसके लिए आपको इसको 10 या 15 मिनट के लिए बेक करने के, ठंडा होने के लिए फ्रिज में आपको रखना होता है। अभी फर्स्ट टाइम हम एक डाल के देखते हैं। वो स्पून लेके आपके उधर है, एक बार डाला तो इसको ज्यादा हिलाना नहीं है हमें। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है उसके साथ आप इसको खा लो। आप ऐसे भी उसको खा सकते हो बिकॉज इसमें बहुत सारे चीज़ हमने डाल दिया। चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको चीज़ डालना है प्रोसेस चीज़ या सादा अमूल का कौन सा भी चीज़ आप ले लो, आप इसमें डाल सकते हो। अमूल के ही चीज़ लेना बिकॉज उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है और वही बेस्ट है। ज़्यादा उसको हिलाना नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो टूट जाएगा बिकॉज इसको हमने सेट नहीं किया है। अपना ब्राउनीज का है वो यहाँ पे रख दे, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, फिर उसको काट लेंगे।
पे रख दे, इधर रख दे। देखो ब्राउनीज भी हमारी हो चुकी है, दे दे यहाँ पे दे दे। अभी ये थोड़ा ठंडा करते हैं, ये देखो ब्राउनी भी हमारी हो चुकी है। इसको आपको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करना है, ज़्यादा फास्ट कुक नहीं करना है। क्रिस्पी चाहिए तो आपको इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में ही इसको आपको कुक करना है। प्लेट दे दे बाबा इसको निकालने के लिए। डायरेक्ट वही दे दे, गार्निशिंग वाला एक प्लेट दे दे, मैं निकाल। थैंक यू दीपक सर। ये देखो अभी ब्राउनी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, इसको हम बाद में काटते, थोड़ा ठंडा हो जाने दे, तब तक ये भी हो जाएगा। मैदे के साथ बना रहे हो, मैदे के रोटी के साथ, तो उसमें थोड़ा सा नमक डालो, ठीक है, और पानी डाल के उसका आपको आटा भूनना है। रोटी आपको स्क्वायर में बेलनी है, ठीक है, और ऐसे ही जहाँ से हमने सब्जी डाला भरी है वैसे ही आपको सब्जी उसके अंदर स्टफ करनी है, तो आपका मैदे का भी हो जाएगा, वो भी क्रिस्पी होता है, बट ये शीट से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है। सॉस ले ले, वो थैंक यू सविता मैम, थैंक यू सो मच। आप इंजॉय कर रहे हो लाइव रेसिपी, प्लीज कमेंट करो। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, ओके। बहुत जल्दी हो जाता है, इसको फ्राई करने के लिए टाइम नहीं लगता है, बिकॉज ये शीट वाली पट्टी है, जो मैदे के साथ बनाते हैं ना हम, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत गर्म है ये, थोड़ा सा सॉस दे दे और एक स्पून दे दे और ये दे दे। चलो ये तो हो गया, अभी हम ब्राउनी निकालते हैं। ये दे दे पापा के लिए ब्राउनी, ये देखो अपने स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं, ये देखो। थैंक यू प्रतिभा मैम। अभी ये देखो ये बहुत गर्म है, मैं कोशिश करती हूँ इसको डीमोल्ड करने के लिए, ठीक है, तो ये दे चाकू दे दे, लेकिन इसको ठंडा हो जाने दो, उसके बाद ही आप करो, और इसका भी प्लेट दे दे। बहुत गर्म है ये, बहुत।
कितना सॉफ्ट बना है, लेकिन आप इसको घर में ठंडा हो जाने दो फिर ही इसको काटो, ठीक है? बिकॉज ये बहुत गर्म है तो ये टूट भी सकता है, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतने देर लाइव रहने के लिए, तो मैं काट रही हूँ। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो कितना सॉफ्ट बना है ब्राउनी, ये देखो। अभी इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर निकालते हैं। इसके ऊपर आप आइसक्रीम रख दो या आप चॉकलेट डाल दो। चॉकलेट ने क्या, वो हमने बनाया, बहुत गर्म है। नहीं, मैंने ऑलरेडी निकाला था वो, ले गया। आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास गनाश हो तो आप गनाश भी ले सकते हो। जी जी जी, रक्षाबंधन के लिए ये दोनों भी रेसिपी जो बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, वो है हमारा भाई, तो उसके लिए आप प्लीज़ ये घर में बना, वो खुद भी बना सकता है आपके लिए, ठीक है? आप उसको भी ये रेसिपी दिखा और इसमें बहुत सारा चॉकलेट सॉस या गनाश डाल दो, यम्मी। अगर ये हो ना तो और क्या चाहिए। बाहर बारिश भी आ रही है हमारे इधर, और इसके ऊपर आप ये डाल दो, नट्स डाल दो। नट्स किधर है बेटा, बादाम काजू को काटे थे। हाँ, इसके अंदर है। तो ये देखो अपनी चॉकलेट ब्राउनी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम चोको चिप्स डालते हैं। ओरियो ब्राउनीज हमारी रेडी हो चुकी है। हाँ हाँ, ये यहाँ पे रहेगा, ये डिलीट नहीं हो जाएगा। ये देखो चॉकलेट ब्राउनी ओरियो के साथ और हमारी स्प्रिंग रोल, ये दोनों भी डिश रेडी हो चुकी है। जी जी मैम, अभी ये यहाँ पे सेव होगी, यहाँ पे डिलीट नहीं होगी, आप इसको देख सकते हो बाद में, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आप लाइव आए, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त आपने मुझे दिया, सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से थैंक यू बोलने वाली हूँ अमूल पेस्ट को, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे लाइव आने का मौका दिया, और आई होप, मुझे लगता है आपको शायद मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, बिकॉज बहुत कम टाइम में हमें रेसिपी आपको दिखाना होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स दे सकूँ। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आप कर सकते हो, ये तो मैंने बेसिक ही आपको सिखाया है। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे लाइव आने के लिए। तो ये वीडियो यहाँ पे सेव रहेगा, और फिर अगर मौका दिया अमूल पेज ने यहाँ पे लाइव आने के लिए, तो और एक नई रेसिपी के साथ मैं लाइव आना पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।